नमस्कार, क्या आप भी इस वीडियो को ईयरबड, ब्लूटूथ या किसी हेडफोन से सुन रहे हैं या फिर डेली लाइफ में यूज करते हैं? तो अभी रुक जाइए। नमस्कार, वेलकम टू इनोवेटिव आइडियाज। दोस्तों, यदि आप गाना सुनने के लिए या फिर ओकेजनली भी कभी कभी ईयरफोन या फिर बड्स का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर साबित होगी। दोस्तों, ये जो ईयरफोन है बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है हमारे ईयर को। दोस्तों, ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे बाहर वाला आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। दोस्तों, आउटर ईयर हमारे कान को आवाज़ रिसीव करता है जो कि पास होता है कॉकलिया में। कॉकलिया दोस्तों एक फ्लूइड होता है और जिसके अंदर में ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इस तरह के हेयर सेल्स होते हैं। इन्हीं हेयर सेल्स का काम होता है कि जो भी आवाज़ कान ने सुना उसको रिसीव करना और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और जब सुने हुए आवाज़ को ये कॉकलिया के अंदर प्रेजेंट हेयर सेल्स रिसीव करती है तब ये जो हेयर सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं और ये जो हेयर सेल्स हैं वो वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करने लगते हैं और ये कॉकलिया के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन को पहुंचता है और तब हम किसी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। लेकिन ईयरबड्स जो हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा आवाज़ की फ्रिक्वेंसी है जिसकी वजह से ये हेयर सेल्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और ये डैमेज पोजीशन में क्या होता है कि हेयर सेल्स बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाते और इवेंचुअली हमारे कान की सुनने की कैपेसिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाती है और इसीलिए दोस्तों हमारे कानों की क्षमता 70 dBA है, इससे ज़्यादा ना सुने। और यदि आपको सेफ रहना है तो 60/60 का रूल फॉलो करें जो कहता है 60 मिनट सॉन्ग सुनिए और 60 मिनट का ब्रेक लीजिए, इससे आप कुछ हद तक सेफ रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अगर पूरी तरह सेफ रहना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही ईयरबड्स या फिर ईयरफोन का यूज़ करें, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप कितने घंटे ईयरफोन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।